हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर विद देवऋषि भारद्वाज। टुडेज मैथ क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। तो जानते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या इसमें पूछा गया है। देखो, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056, दैट मीन्स 1056 एक नंबर है और हमसे पूछा गया है कि इसमें क्या नंबर ऐड करें, एक स्मॉलेस्ट नंबर हमको इसमें ऐड करना है जिससे ये क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23, जिससे कि वो नंबर 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। दैट मीन्स अभी 1056 26 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है, दैट मीन्स हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है। तो हम क्या करें, इसमें क्या ऐड करें कि 23 से ये डिवाइड हो जाए। तो देखो, सेम कॉन्सेप्ट है, 1056 को हमें क्या करना होगा, हमको इसको डिवाइड करके देखना होगा कि रिमाइंडर कितना बचता है। तो 1056, ठीक है, इसको हम 23 से डिवाइड करके चेक करते हैं। डिवाइड करेंगे तो देखो 23 से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स। तो 105 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 टाइम्स जाएगा, 4 थ्री जा 12, 4 टू जा 8 एंड 1 9। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो क्या आएगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 एंड 10 माइनस 9 1 13। अब 6 हमने यहाँ पर ये लिख लिया। अब फिर डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, देखो ये जाएगा 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स जाएगा। देखो 5 थ्री जा 15 एंड 5 टू जा 10, 10 एंड 1 11। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 21। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि क्या सब्ट्रैक्ट करें तो हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है। अगर ये पूछा गया होता कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाए 23 से, क्या 1056 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 23 से डिवाइड हो जाए, तो हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते। बट क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या ऐड करें, तो क्या ऐड करना, देखो जब क्वेश्चन में यह कि क्या ऐड करें, ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे कि जो 23 जो क्वेश्चन में पूछ जिससे हमने डिवाइड किया है उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिखेंगे। दैट मीन्स 23 माइनस 1 माइनस 21 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स हमको 2 को ऐड करना होगा, ठीक है। जब हम 1056 में 2 ऐड कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, 1058, और 1058 23 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आंसर आपको पता लग गया होगा क्या ऐड करना है हमको 2 ऐड करना है, तो 2 हमारा आंसर है। सो हम लिखेंगे ऐड 2, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो आपके समझ में आ गई हो तो ऑन द बेस ऑफ सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 83। देखो मैं थोड़ी आपको हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको क्या करना है, एक 6 डिजिट का नंबर, एक स्मॉलेस्ट 6 डिजिट का नंबर क्या होता है ये आपको फाइंड आउट लिखना होगा। तो 6 डिजिट का नंबर होता है 100000, ये लीस्ट 6 डिजिट नंबर है। और इसमें कह रहा है कि इसमें हम क्या ऐड करें, दैट मीन्स ये 6 डिजिट नंबर है तो हमको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो लीस्ट नंबर हो 6 डिजिट का और 83 से डिवाइड हो जाए, तो हो सकता है इसमें हमें कुछ ऐड करना पड़े। तो जैसा क्वेश्चन मैंने किया है सेम वैसे ही करना है, 83 से इसको डिवाइड करना है और फिर देखना है कि इसमें क्या हमको ऐड करना होगा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन किया था वैसे ही आप इस क्वेश्चन को करो, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट में आंसर मेरे को कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।